दोस्तों मेरे पास एक पेशेंट डायबिटीज के जिनका खाली पेट शुगर करीब 180 190 212, नाश्ते में शुगर 212, लंच से पहले शुगर 140 आ रहा, लंच के बाद शुगर 150 आ रहा और डिनर पहले शुगर 130 आ रहा। इसे इनकी स्टोरी क्या है कि दिन में शुगर ठीक आ रहा पर सुबह बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसा क्यों? तो खाली पेट ब्लड शुगर हाई और कई कारण होता है। सबसे पहले आप सब जान लो कि डायबिटीज मरीज की जो स्पेशली जो मोटे होते हैं उनके लीवर के अंदर फैट ज़्यादा होता है और जिस फैट की वजह से इन लोग के अंदर रात के टाइम में जब पैनक्रियास से इंसुलिन बनता है, जब भी लीवर फैट ज़्यादा होता है तो वहाँ इंसुलिन का असर कम होता है। तो इन लोग के अंदर, मोटे लोग के अंदर इंसुलिन का असर लीवर में जब कम होता है तो आप सब जानो रात को अधिकांश लोग के अंदर जो लीवर है अराउंड 2 ग्राम ग्लूकोज हर घंटे रिलीज करता है। तो रात को बॉडी का लंग को, ब्रेन को, हर को थोड़ा ग्लूकोज जरूरत होती टू फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ये ग्लूकोज प्रोडक्शन सप्लाई लीवर से आते को रात में आंतों से आता आता खाना बंद हो जाता है। हम 10 बजे आफ्टर 9:30 10 बजे खाते नहीं हम लोग, तो खाने के 2 घंटे बाद जो भी रात को ग्लूकोज सप्लाई लीवर से आता है। तो मोटे लोग के अंदर लीवर फैट की वजह से ये ग्लूकोज सप्लाई 2 ग्राम की जगह 4 ग्राम होती है। तो अक्सर मोटे लोग के अंदर रात को ग्लूकोज लीवर रिलीज ज़्यादा होने की वजह से इनका फास्टिंग हाई रहता है, जबकि दिन में क्या होता है कि जहाँ मरीज खाता है तो पेनक्रियाज एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाता है। रात को खाने से जो स्टूलेट पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता है ये बात नहीं रहता है, तो अक्सर ऐसे लोग के अंदर फास्टिंग ज़्यादा रहता है और दिन में शुगर कंट्रोल होता है। और उसको मैनेज कैसे करें, तो ऐसे मरीजों को क्या करना पड़ता है, नंबर 1 कारण ये हो गया। नंबर 2 कारण होता है कुछ लोग रात को खाना ज़्यादा खाते हैं। अक्सर देखा है शहरों में क्या होता है, लोग ब्रेकफास्ट हल्का करते, लंच हल्का करते, डिनर खुद दबा के करते हैं। नंबर 2, तो जब डिनर हैवी करेंगे तो जब लीवर जब ज़्यादा ग्लूकोज खाने लोड होगा तो ज़्यादा देर तक उसका शुगर हाई रहेगा। थर्ड क्या होता है, जो लोग एल्कोहल लेते हैं, तो आप सब जान लो कि एल्कोहल जब लेता आदमी 1 पैसे ज़्यादा लेता है तो एल्कोहल लेने के बाद शुरू के करीब 6 घंटे तक, और आप वाइन ले रहे हैं, विस्की ले रहे हैं, तो 6 घंटे तक शुगर लो रहता है। बिकॉज क्या होता है कि ग्लूकोज जो एल्कोहल है लीवर के अंदर ग्लूकोज स्टोर होता है, उसे बोलते हैं ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लाइकोजन से जो शुगर रिलीज होता है उसको स्टॉप कर देता है। तो एल्कोहल पीने से शुरू के 4-5 घंटे लीवर रिलीज ग्लूकोज कम करता है, और जैसे अल्कोहल का असर कम हो जाता है एक्स्ट्रा इंसुलिन रिलीज करता है, जिससे इन लोग क्या होता है कि सुबह 7 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक शुगर हाई रहता है। प्लस कुछ डॉक्टर लोग दवा भी ऐसी लिखते हैं कि रात की जो दवा लिखते हैं वो वीक लिखते हैं, तो ऐसे लोग मैनेज करने के क्या करना होता है, सबसे पहला काम करना होगा कि रात की जो डाइट है उसे कार्बोहाइड्रेट कम करिए, प्रोटीन बढ़ाइए और हेल्दी फैट बढ़ाइए और सलाद बढ़ाइए। आप सब जान लो हम लोग टीचिंग है ब्रेकफास्ट लाइन जैसा हैवी होना चाहिए, लंच मीडियम होना चाहिए और डिनर से सबसे हल्का होना चाहिए। पर आज का जनरेशन जो है ये उल्टा कर रहा, ब्रेकफास्ट हल्का, लंच और हल्का और डिनर एकदम शेर जैसा करता है, जबकि रात को चूंकि एनर्जी यूज नहीं होता है, आप हम चल फिर नहीं रहे, काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको रात को खाना हल्का होना चाहिए। तो ऐसे लोग जिनका खाली पेट शुगर बढ़ के रहता है उनको अपना टैबलेट चेंज करना पड़ेगा। रात की जो गोली होती है ऐसी देनी पड़ेगी जो लॉन्ग एक्टिंग हो, और रात की गोली दिन की तुलना में थोड़ा स्ट्रॉन्गर देनी पड़ेगी, पहला काम। दूसरा काम, डाइट में ऐसे लोगों को रात को मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट अलाउड है फॉर
30-40 ग्राम। इन लोग रात को एक रोटी ज़्यादा नहीं खाना आपको, ऐसे लोग कैसा ला देंगे, एक रोटी खाए आपने, दो अंडे खा लिए, और अंडे आप नहीं खाते हैं तो पनीर की बढ़िया न्यूट्री आती वो ले लें, पनीर का सोयाबीन का पनीर आता वो ले लें, दाल ले लें, स्प्राउट ले लें, प्रोटीन पाउडर दो चम्मच दे सकते हैं। तो आप कार्बोहाइड्रेट एक रोटी ज़्यादा नहीं खाएंगे, प्रोटीन ज़्यादा लेंगे, दूध दही ले लेंगे, और सलाद खूब खाएंगे, फ्रूट ले लेंगे, अपने रोटी चावल कम खाएंगे, बाकी फलों कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे, फ्रक्टोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन मात्रा बढ़ाएंगे, और शराब की मात्रा किसी कीमत पे 45 ml ज़्यादा नहीं लेना है। इवन अगर आप डाइट भूख ज़्यादा लग रही है आप आपको, तो पहले आते हो ऑफिस से कुछ खा लीजिए, उसके बाद आधा घंटे बाद एक घंटा फिर कुछ खा लिया, बचा भूख सोते समय खा लिया आपने। हाँ, आप थोड़ा वो भी ले सकते हैं, आप हेल्दी नट्स होता हमारे, हेल्दी नट्स की बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, 10-15 पीस लेंगे तो ये भी पेट भरता है, प्लस आपका शुगर निभाते हैं, बिकॉज इनके अंदर हेल्दी फैट मुफा होता है। तो ऐसे लोग को रोटी चावल कम करके प्रोटीन बढ़ाया, हेल्दी नट्स बढ़ा दिया, बादाम अखरोट या काजू वो बढ़ा दिया, पनीर बढ़ा दिया, सलाद बढ़ाया, थोड़ा दूध दही ले लिया, थोड़ा सा एक एक कप दही एक रोटी ले लिया, और फ्रूट ले लिया आपने। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो अंडे ले लिया या चिकन पीस ले लिया उन्होंने, फिश ले लिया स्किन हटा करके। तो आप सब जान लो ये करेंगे तो आपको शुगर कंट्रोल अच्छा आएगा। साथ में अगर थोड़ा समय मिले तो खाने के बाद 15-20-25 वॉक कर लें आप। वॉक नहीं कर पा रहे मान लीजिए, तो आप टीवी देख रहे हैं, खाने के बाद टीवी देख रहे हैं, तो थोड़ा अपना फ्रिज की बोतल पानी भरा आपने, दोनों तरफ जैसे मान लो पानी बोतल भरा आपने, पानी भर के उसी आप एक्सरसाइज करने लगे, या घर पर आपने 1 किलो डंबल रखा उससे कर लिया आपने, कुछ नहीं तो आप लेट करके पलंग पर पैर पाँव चला रहे हैं। एक्सरसाइज क्या होता है, आपकी ग्लूकोज बर्न करता है, प्लस मसल लीवर के अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्ब कैपेसिटी बढ़ा देता है, सो दैट अगर रात को लीवर ग्लूकोज रिलीज भी करेगा तो मसल्स को और लीवर्स को यूज़ कर लेंगे। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिलेगा कि आपको रात को खाना घटाना है, कार्ब घटाना है, अल्कोहल घटाना है, फाइबर बढ़ाना है, और खाने में थोड़े थोड़े गैप बाद खाना है। तो सीधी बात है, कार्बोहाइड्रेट ही शुगर बढ़ाते हैं, ऐसे लोग को कार्बोहाइड्रेट दिन में मात्र बढ़ा लें, आप ब्रेकफास्ट और लंच बढ़ा लें, आप बीच में बढ़ा लें, आप ब्रेकफास्ट ले लिया, ढाई घंटे ले लिया, फिर लंच लिया, फिर ढाई घंटे लिया, उस समय खा लें। प्लीज़ खाना ब्रेक करें, एक टाइम में हैवी खाना मत खाएं, क्योंकि आपके लीवर पैनक्रियाज में एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी कम है। तो खाने को ब्रेक करें, इससे आपको शुगर जरूर कंट्रोल आएगा। आई होप इस वीडियो से आपको नॉलेज मिला होगा कि कैसे आपको कंट्रोल करना है, और आप वीडियो अच्छा लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।